पूरा बनारस मोदीमय हो चुका है। काशी में हर तरफ महादेव और पीएम मोदी की ही चर्चा है। आज का दिन तो और भी ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी सीट से अपना नामांकन कर दिया। अपने दल बल के साथ जब पीएम मोदी वाराणसी सीट पर नामांकन करने पहुंचे तो उनके साथ बीजेपी की पूरी टीम मौजूद थी, लेकिन पर्चा दाखिल करते वक्त प्रधानमंत्री के साथ एक ऐसे शख्स भी मौजूद थे जिनकी आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। यही नहीं, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि इनकी पहचान क्या है, तो कोई ये जानना चाहता है कि पीएम के साथ इनकी मौजूदगी का क्या कारण हो सकता है। ऐसे में आज हम आपके इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढ कर ले आए हैं। साल 2014 और 2019 के बाद पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी में 1 जून को 7वें चरण में मतदान होना है। वाराणसी सीट पर पीएम मोदी जब नामांकन करने पहुंचे तो उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा चिराग पासवान समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने 4 नागरिकों को अपना प्रस्तावक बनाया था जो पर्चा दाखिल करते वक्त प्रधानमंत्री के साथ ही मौजूद थे। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी के बगल में बैठे शख्स की हो रही है। तो बता दें कि पीएम मोदी के दाहिनी तरफ बैठे शख्स कोई और नहीं बल्कि ज्योतिष की दुनिया के सबसे विश्वसनीय नाम गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हैं। जब पीएम मोदी कलेक्ट्रेट ऑफिस में नामांकन करने पहुंचे तो उनके बगल में शास्त्री को बैठे देखा गया। असल में पंडित गणेश्वर शास्त्री कोई आम आदमी नहीं है बल्कि इन्होंने ही जनवरी में अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त निकाला था। इसके अलावा राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त भी उन्हीं के द्वारा सुझाया गया था। बताया तो ये जा रहा है कि पीएम मोदी के नामांकन पत्र दाखिल करने का शुभ मुहूर्त भी गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ही निकाला है। चूंकि चुनाव में प्रस्तावक की भूमिका अहम मानी जाती है, प्रस्तावक ही रिटर्निंग ऑफिसर के सामने किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। हो सकता है इसीलिए पीएम ने पंडित गणेश्वर शास्त्री को अपना प्रस्तावक चुना होगा। बताया जाता है कि पंडित गणेश्वर शास्त्री जगत गुरु रामानंदाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। गणेश्वर शास्त्री का परिवार काफी लंबे समय से काशी में ही रह रहा है। कहते हैं कि गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ मूल रूप से दक्षिण भारत से काशी आए थे, वहीं वर्तमान में वो काशी के राम घाट इलाके में गंगा किनारे रहते हैं। गणेश्वर शास्त्री ग्रह नक्षत्र चौगड़ियों के सबसे बड़े जानकारों में से एक हैं। इसके साथ साथ उन्हें बड़े बड़े मुहूर्तों के धर्म संकट से निकालने में महारत हासिल है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के नामांकन के लिए 4 प्रस्तावकों में पंडित गणेश्वर शास्त्री के अलावा बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी शामिल रहे। बता दें कि पीएम ने वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम के सामने अपना नामांकन दाखिल किया जो खुद तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं। कुछ लोग आज यानी 14 मई के ही दिन पीएम के नामांकन दाखिल करने को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। तो बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपकी बार का नामांकन बहुत खास है और इसकी सबसे बड़ी वजह माँ गंगा है, जिसे वो खुद अपनी माँ बता चुके हैं। असल में इस साल 14 मई को गंगा सप्तमी का महापर्व है। गंगा सप्तमी को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन ही गंगा नदी का पृथ्वी लोक पर अवतरण हुआ था। इसलिए आज यानी 14 मई के दिन प्रधानमंत्री तीसरी बार देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी का आशीर्वाद मांग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।